हेलो एवरीवन, ये आपकी स्टील स्ट्रक्चर की 9th क्लासेस है और इसमें आज हम लोग अभी वेल्ड कनेक्शन चल रहा है और आज आपकी डेट है आपकी 15 जून 2021। तो आज की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल ही पूरा डिस्कस करेंगे। जैसे लास्ट क्लास में आपका बट वेल्डेड कनेक्शन में बट के बारे में उसका न्यूमेरिकल देखे थे और आज जो है लैब या ग्रूव के बारे में देखेंगे पूरा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल है, ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि टू प्लेट है, दो प्लेट है जिनकी साइज इतनी दे रखी है। ईच वन आर टू बी ज्वाइंटेड इन वर्कशॉप। ठीक है, ईच आर टू बी ज्वाइंटेड इन, उनको वर्कशॉप में ज्वाइन करना है और उसमें डबल यू ग्रूव वेल्ड देना है। डबल यू ग्रूव वेल्ड मतलब दो प्लेट है आर टू बी ज्वाइंटेड इन अ वर्कशॉप बाय डबल ग्रूव वेल्ड डिटरमाइन द डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट इफ इट इज सब्जेक्टेड टू अ मूवमेंट ऑफ इतना। इसमें डिजाइन करना है बेंडिंग स्ट्रेंथ, अगर उसमें मूवमेंट कितना आ रहा है इतना किलो न्यूटन मीटर का। ऑल्सो डिटरमाइन द एडुकेसी ऑफ द ज्वाइंट, या कह सकते हो एफिशियंसी ऑफ द ज्वाइंट। इफ द सीयर फोर्स एट द ज्वाइंट इज इतना, द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, सीयर स्ट्रेस, देखो परमिसिबल स्ट्रेस दे रखा है, टेंसाइल सीयर स्ट्रेस दे रखा है, सीयर फोर्स दे रखा है, मूवमेंट दे रखा है और साइज दे रखी है। और ये भी बोला है कि डबल यू ग्रूव वेल्डेड ज्वाइंट देना है। ठीक है, तो ये भी कह सकते हो एक तरह से बटी का है आपका, कुछ इस तरह से आपका ज्वाइंट है। इस तरह से आपका ज्वाइंट है, ये हो गया डबल यू ग्रूव वेल्डेड ज्वाइंट। ठीक है, अब इसमें दिया क्या है, आपका विड्थ ऑफ प्लेट दे रखा है, ठीक है, थिकनेस ऑफ प्लेट दे रखी है, मूवमेंट दे रखा है किलो न्यूटन मीटर में, उसे हम न्यूटन मीटर में चेंज कर लिए, सीयर फोर्स दे रखा है और थ्रोट थिकनेस कितनी होगी, डबल डबल है तो ये आपका पूरा यही थ्रोट थिकनेस हो जाएगा, दैट इज थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, एक ही प्लेट ही है तो इसका कितना हो जाएगा 18 mm। और परमिसिबल स्ट्रेस इन वेल्ड, आपका टेंसाइल दे रखा है और शियर दे रखा है, ये आपका टेंसाइल हो गया और शियर आपका ये हो गया। ठीक है, तो टेंसाइल आपका दे रखा है। तो अब हमको क्या करना है, इसका पहला स्टेप है आपका डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ जॉइंट। तो पहले तो आपका सेक्शन मॉडुलस निकाल लिया है, तो सेक्शन मॉडुलस के बारे में आप लोग सोम में पढ़े होंगे। सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, आई अपॉन वाई, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वाई है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन, और ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, जैसा आप देख सकते हो रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो बी डी क्यूब बाई 12 होगा, तो बी डी क्यूब बाई 12, और वाई की वैल्यू क्या होती है बी बाई 2, तो ये हो गया आपका टी बी स्क्वायर अपॉन 6, ये सब आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये निकाल लिए। अब डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या किया है, फोर्स इज इक्वल टू एरिया, अप्रॉक्स एरिया इंटू स्ट्रेस कर दिया है, तो यहाँ से आप निकालोगे इतना आया डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ, और जो कि कितने से कम है, 13 से ज्यादा है, मतलब इस पे देखो इस पे इतना किलो न्यूटन मीटर का वो आ रहा है, क्या नाम है, मूवमेंट आ रहा है, और इसका जब इसका स्ट्रेंथ निकाले तो स्ट्रेंथ इतना है, तो जितना आ रहा है उससे ज्यादा ही है, मतलब ये आपका प्लेट की स्ट्रेंथ है और ये इस पे मूवमेंट आ रहा है। तो जैसे मान लो ये किताब की स्ट्रेंथ 10 किलो न्यूटन पे है और हम जब इस पे कोई फोर्स लगा रहे हैं, ये 5 किलो न्यूटन लगा रहे हैं, तो ये आराम से झेल लेगी। तो इसमें भी वही है, इतना किलो न्यूटन मीटर का इस पे मूवमेंट आ रहा है, इतना किलो न्यूटन मीटर मूवमेंट ये झेल सकता है और इतना किलो न्यूटन ये आ रहा है इस पे, तो हैंस इट्स ओके, वही लिखा है। फिर इसका एडिक्वेसी चेक करने के लिए कि कितना एडिक्वेट है, ठीक है, तो डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, इसका शियर स्ट्रेंथ निकालें, क्योंकि हमेशा बोले थे कि जो आपका बट जॉइंट, अरे लैब जॉइंट होता है वो वीक होता है शियर में, तो उसका शियर स्ट्रेंथ निकालें, तो इतना आया है। और इस पे शियर स्ट्रेंथ कितना दे रखा है, एंड इफ द शियर फोर्स एट द ज्वाइंट इज इतना 200 किलो न्यूटन, तो शियर स्ट्रेंथ आपको दे रखा है 200 किलो न्यूटन का, लेंथ ऑफ ज्वाइंट केवल नहीं दे रखा है। ठीक है, लेंथ ऑफ ज्वाइंट नहीं दे रखा है, तो क्या किया है, लेंथ ऑफ जॉइंट आपका निकाल लिया यहाँ से, ठीक है, और टोटल वेट था आपका कितना, 180 mm की वेट था और 108 ही आया है, मतलब कि जब इसकी वेट देखोगे टोटल आपका ये यहाँ से यहाँ तक लेके 180 है
और इसने जो वेल्ड किया वो 108, यहाँ से यहाँ तक केवल 108 ही वेल्ड किया है, तो हेंस इट्स ओके। ठीक है, अप्रॉक्स अप्रॉक्स पूरा 180 प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। डिजाइन अ सुटेबल लॉन्गिट्यूडनल फिलेट वेल टू कनेक्ट टू प्लेट एज शोन इन फिगर टू ट्रांसमिट अ पुल और पुल इक्वल टू फुल स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल प्लेट, प्लेट आर टू बी इतना mm थिक। तो ये आपका लैब ज्वाइंट का है, इसमें दो प्लेट है, 100 mm थिक है, 160 mm थिक है। ठीक है, या इसमें डिजाइन करना है, डिजाइन अ सुटेबल लॉन्ग फिलेट वेल्ड डिजाइन करना है और फुल, और ये जो इज टू ट्रांसमिट अ पुल इक्वल टू इज फुल स्ट्रेंथ, जो इसकी स्ट्रेंथ होगी, इन ज्वाइंट की स्ट्रेंथ होगी उतने का ही पी लगेगा, ये क्वेश्चन में बोल दिया है। और प्लेट जो है 12 mm थिक है और परमिसिबल इन शीयर दे रखा है 108 और टेंशन में दे रखा है 150। तो दिया क्या क्या है आपको, थिकनेस दे रखा है प्लेट की, विड्थ दे रखा है, ठीक है, विड्थ दे रखा है, फिर उसके बाद आपका परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन है, परमिसिबल स्ट्रेस इन शीयर है, इतनी चीज आपको दे रखी है। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग क्या निकालोगे, एरिया निकाल लोगे, एरिया या फिर आप सीधे स्ट्रेंथ निकाल लो। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस होता है बी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी, ये आपको बताया था, बी आपको पता है 100 और टी क्या कितना है आपका 12 mm, सिग्मा ए टी दिया हुआ है, तो ये आपका न्यूटन में आ गया, किलो न्यूटन में निकाल लिया इसको। ठीक है, तो इसमें क्या किया है, पहले ये एरिया निकाला है फिर ये निकाला है, तो आप डायरेक्ट ये कर सकते हो या ये कर सकते हो, आपके ऊपर है। फिर इसका इसका डिजाइनिंग करनी है, तो डिजाइन करने के लिए आप क्या थिकनेस दे रखी है 12 mm की, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ट कितना दे सकते हैं थिकनेस के बेस पे 5 mm, ये टेबल नंबर 3 से आएगा। मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम दे सकते हैं थिकनेस -1.5, तो आप इन दोनों के मतलब मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आप कुछ भी दे सकते हो, तो वो क्या कर दिया है साइज इतना ले लिया है, लेट अस प्रोवाइड इतना साइज। ठीक है, तो ये पहला चीज है, तो यहाँ से थ्रोट थिकनेस निकल जाएगी टी बराबर के इंटू एस, अगर बोला था आपको एंगल के बारे में, अगर कुछ नहीं देगा तो के 0.7 ले लेना, तो यहाँ से थ्रोट थिकनेस आ गया है। ठीक है, आपको शियर स्ट्रेंथ पता ही है, आपको शियर स्ट्रेंथ पता ही है, जो कि बोला हुआ है कि जो पुल है जितने टोटल जॉइंट की स्ट्रेंथ है उतने का ही हम पुल दे रहे हैं, तो यहाँ पर वो लगा दिया है LWT इंटू TF, ये कैलकुलेट किया और इसको इसके बराबर रख दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आ गया लेंथ ऑफ वेल्ड आ गया, तो इतना आया है। कभी भी या तो पॉइंट में दे सकते हो पर अमूमन नहीं देते हैं, तो इसलिए इसको राउंड ऑफ करके इतना दे दिया है। ठीक है, अब 240 को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, यह भी एक वो है स्टेप में आपका ये भी लिखवाए थे ना कि जो आप लेंथ ऑफ वेल्ड निकालोगे उसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो कैसे वेल्ड करेंगे, तो उसने क्या किया 170 170 दोनों साइड प्रोवाइड कर दिया, मतलब यहां से लेके यहां तक की लेंथ आपकी 170 और ये भी 170 प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये डिजाइन का क्वेश्चन, तो डिजाइन में आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, वो चाहता तो 170 170 नहीं पूरा दे देता, मतलब 100 इधर 100 इधर बांट देता, अगर 100 इधर बांट देता यहां पर एंड में 100 इधर बांट देता तो इसके पास 140 बचता और 140 को वो 70 70 में कर लेता, तो यानी ये 70 ये 70 ये 100, अपने तरीका है कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, पर इसमें चेक नहीं लगाया, आपको चेक भी लगाना है, अभी और डिटेल में दिखाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में लगाया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ टाइम मेंबर कंसिस्ट ऑफ टू ISMSC 250 एट द रेट इतना, इसके बारे में आपको फर्स्ट क्लास में बता रखा था। चैनल सेक्शन है कनेक्टेड ऑन आइदर साइड ऑफ 12 mm थिक, मतलब दो चैनल सेक्शन है इस तरह से, दो चैनल सेक्शन है, इनको आपका एक और दो इस तरह से कनेक्ट किया गया है ऑन आइदर साइड, किसी एक साइड पे ही। ठीक है, 12 mm थिक गसेट प्लेट, इसको गसेट प्लेट बोलते हैं। ठीक है, जब दो चैनल मेंबर को यूज करने के लिए आप प्लेट यूज कर रहे हो, वो प्लेट हुआ, या तो जैसे आपको कॉलम, मान लो ये आपका कॉलम आ रहा है और इसको इस बेस से जोड़ना होगा, तो एक प्लेट लगाएंगे, इसको गसेट प्लेट बोलेंगे। तो गसेट प्लेट का मेनली काम यही है, दो मेंबर्स को जोड़ना। ठीक है, दो मेंबर को जोड़ने के लिए हम लोग गसेट प्लेट की मदद लेते हैं। तो गसेट प्लेट डिजाइन अ वेल्ड ज्वाइंट टू डेवलप अ फुल स्ट्रेंथ ऑफ द टाई, तो आपका डिजाइन स्ट्रेंथ फाइंड, डिजाइन
द वेल्ड ज्वाइंट डिजाइन करना है, द वेल्ड ज्वाइंट टू डेवलप द फुल स्ट्रेंथ ऑफ द टाई, हाउएवर द ओवरलैप इज टू बी लिमिटेड। यहाँ पर याद रखना ओवरलैप को लिमिट कर दिया है 400 mm, ठीक है, इससे ज्यादा हम लोग ओवरलैप नहीं दे सकते, मतलब ये वाला चीज ओवरलैपिंग, ये वाली चीज एक दूसरे 400, ये जो लेंथ है ये 400 mm से ज्यादा नहीं देंगे। टेंसाइल और शेयर स्ट्रेस आपका दे रखा है, तो चैनल सेक्शन दे रखा है, परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन, परमिसिबल स्ट्रेस इन शेयर, थिकनेस दे रखी है और लो ओवरलैप दे रखा है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज आपको बताया था, एक आईएस हैंडबुक होती है, या तो स्टील टेबल कह सकते हो, सीधी सी बात है, या तो आप आईएस हैंडबुक नंबर 1 यूज करो या तो स्टील टेबल यूज करो, ठीक है, कोई सा भी स्टील टेबल किसी भी ऑथर का ले लेना। तो स्टील टेबल की मदद से आपको ग्रॉस एरिया निकल जाएगा, थिकनेस ऑफ फ्लेंज निकल जाएगा, थिकनेस ऑफ वेब, देखो ऐसे चैनल सेक्शन इस तरह होता है, तो ये आपका होता है फ्लेंज पोर्शन, ये होगा आपका फ्लेंज पोर्शन, ये होगा आपका वेब पोर्शन, तो इन सबकी थिकनेस दे रखी है, मतलब कुछ इस तरह चैनल सेक्शन होता है, ठीक। तो थिकनेस ऑफ फ्लेंज ये आपका दे रखा है TF, और थिकनेस ऑफ वेब ये होता है थिकनेस ऑफ वेब, ठीक है, और इसका ग्रॉस एरिया दे रखा है, तो ग्रॉस एरिया दे रखा है, तो इसका एरिया हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो एरिया इनटू परमिसिबल स्ट्रेस इसका शियर स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है। तो आपको स्ट्रेंथ मिल गई, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम लोग एस एज्यूम करेंगे, तो एस का आप अलग अलग कंडीशन जैसे पिछले क्वेश्चन में देखे थे वैसे निकाल लेना, जैसे 12 mm थिक गैसेट प्लेट दिया है तो एस की वैल्यू 5 mm हो जाएगी, ठीक है, तो फिर मिनिमम और मैक्सिमम आप लेके निकाल लेना कि मिनिमम कितना होगा मैक्सिमम कितना होगा, तो आप कुछ भी मान सकते हो एस की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में, तो इसने क्या लिया है 5 ले लिया है, आप 6-7 कुछ भी ले सकते हो, पर लिमिट के अंदर लेना है, ये बात याद रखना। तो यहाँ पर थ्रोट थिकनेस T into KS, तो यार ये आपको P मतलब डिजाइन स्ट्रेंथ आपको पता है, यहाँ से आया है डिजाइन स्ट्रेंथ, और ये क्या होगा LW into थिकनेस, मतलब ये थ्रोट थिकनेस और into परमिसिबल स्ट्रेस, इन दोनों को जब बराबर करोगे तो लेंथ आ जाएगा इतना, इसको हम इतना कर दिए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या चीज है, आपको 3 साइड से वेल्ड होगी, मतलब चैनल सेक्शन, आप जब ये आपका चैनल सेक्शन है, इन दोनों को यहां से आप जोड़े हो, तो जब टॉप व्यू देखोगे तो इसका कुछ इस तरह होगा, ये और ये, तो ये आपका 1, 2, 3 साइड से वेल्ड होगी, और ये लिमिटेड कर रखा है कितना 400, 400 से ज्यादा नहीं दे सकते पर 400 तो दे सकते हैं, तो 2 into 400 और जितना बचा वो ये हो जाएगा, तो ये क्या है 2 into 400 प्लस ये, ठीक है 2 into 400 और प्लस ये, और ये भी आपका फिक्स ही है, ठीक है ये भी आपका फिक्स ही है, कितना है 250, तो ये कितना है इतना, जो कि इससे कम है, ठीक है, मतलब टोटल आपको इतना वेल्ड करना है, पर ये और ये मिला के केवल इतना ही आ रहा है, ठीक है। तब यहां पर इंट्रोड्यूस होती है स्लॉट वेल्डिंग, स्लॉट वेल्डिंग आपको बताया था ना कि जब भी ओवर लेंथ लिमिटेड हो और डेप्थ भी लिमिटेड हो फिर भी और लेंथ ऑफ वेल्डिंग ज्यादा आ रही हो तो हम लोग स्लॉट वेल्डिंग देते हैं, तो यहां पर वही दिखा है कि रिक्वायरमेंट जितनी है वो कम है प्रोवाइडेड से, तो हम लोग स्लॉट वेल्डिंग देंगे, ठीक है, तो हम लोग स्लॉट वेल्डिंग देंगे। तो अब हम आ गए हैं स्लॉट वेल्डिंग के डिजाइन पे, ठीक है, तो विड्थ कितनी रखी जाए स्लॉट वेल्डिंग की, ये भी उसमें आपको बताया था जब स्लॉट वेल्डिंग के बारे में था, या तो 3 times of TW यानी थिकनेस ऑफ वेब, या तो 25 mm इतना विड्थ रखना है, तो ये वाली इसकी बात कर रहा है, ठीक है, तो या तो ये तो इससे इतना है, ये से इतना है, तो इसके बीच में आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, तो हैंस प्रोवाइड इतना कर दिया है। अब डिस्टेंस बिटवीन स्लॉट कितना रखा जाए, मतलब ये वाला डिस्टेंस, एक स्लॉट ये हो गया, एक स्लॉट ये हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस कितना जाए, तो वो भी आपका 50 mm लिख दिया है, जो कि आपका 2 times of TW से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 times of TW से कम नहीं होना चाहिए, तो वो फाइंड आउट किया इतना, तो 50 mm लिए हैं तो सही है। अब लेंथ ऑफ स्लॉट कितनी रखी जाए, तो वो यहां से निकलेगा, तो लेंथ ऑफ स्लॉट कितनी रखनी है, मतलब ये लेंथ कितनी रखी है वो इस तरह निकाला जाता है। तो लेंथ ऑफ वेल्डेड रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड बाय स्लॉट कितना दिया है, 485
485 है क्या ये भी जान लो। तो 485 जो है इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस कि मतलब कितना और हमको जो बचा, कितना और हमको जो बचा हुआ लेंथ है उसको यूटिलाइज करना है। तो इन दोनों को माइनस करोगे तो 485 आएगा, यानी यहाँ पर कर रखा है 1535 माइनस 1045 बराबर 185, इतना हो गया इंटू माइनस डेप्थ ऑफ मेंबर माइनस 2 इंटू विड्थ ऑफ स्लॉट, मतलब टोटल में से स्लॉट की विड्थ माइनस कर दोगे। अब दो स्लॉट अभी दिए हो, ठीक है, यहाँ पर ये आपके ऊपर है, दो दे दो तीन दे दो, पर याद रखना जितना देना पूरा यूटिलाइज हो, ये नहीं कि 10 दे दे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी दो स्लॉट केवल दिया है, तो दो इतना दिया है, तो ये जब इसको क्यों करोगे, इन सबको सॉल्व करोगे तो ये की वैल्यू कितनी आई, 285 आई, ठीक है। अब 285 आई तो ये एक दो, ये आपका दो स्लॉट हुआ, एक स्लॉट ये और एक स्लॉट ये, ठीक है। तो 285 को आपको कितने पार्ट में डिवाइड करना है वो भी देखो, जब दो स्लॉट दिए तो एक ये वाला हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये, टोटल चार में देना है, तो यानी चार से डिवाइड कर दिए तो कितना है 71.25, तो इसको कितना ले लिए 75, तो मतलब ये 75 mm देंगे और ये कितना देंगे 50 mm देंगे, ठीक है। तो हैंस प्रोवाइड 136 mm क्रॉस 25 mm स्लॉट टू इन नंबर, हैंस प्रोवाइड 136 mm, ये स्लॉट के बारे में बात किया, ये वाला यहां से लेके ये एक और ये, तो वही दिया है 136 क्रॉस 25 mm का स्लॉट, क्योंकि पूरा लेंथ यूटिलाइज करना है ना, 71.25 है, तो स्लॉट इतना दे दिया, पर जरूरी नहीं तो पूरा का वेल्ड करें, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया, आई होप समझ में आ गया होगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो दोबारा पूछ लेना, क्लियर कर देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ सर्कुलर प्लेट 150 mm इन डायमीटर इज वेल्डेड टू अनदर प्लेट ऑफ 6 mm फिलेट वेल्ड एज शोन इन फिगर, इस तरह। तो इसको पग वेल्डिंग भी बोलते हैं या प्लग वेल्डिंग भी बोलते हैं, ये आपका प्लग वेल्ड है, प्लग, ये आपका प्लग वेल्ड है, प्लग वेल्ड अगर इस तरह दिया है तो ये प्लग वेल्डिंग है, ठीक है। कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट ट्विस्टिंग मोमेंट दैट कैन रेजिस्ट बाय द वेल्ड, इसमें ट्विस्टिंग मूवमेंट निकालना है, ठीक है। यूज ग्रेड इतना है एंड साइट वेल्डिंग है, ठीक है, ये सब के बारे में दे रखा है। तो स्लाइट वेल्डिंग है तो परमिसिबल स्ट्रेस भी आपको पता होना चाहिए, आपका उसमें दे बताया था। तो डाया कितना दिया है, इतना साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, ये आपका इससे निकाल लिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो परमिसिबल स्ट्रेस आपका कितना होगा वो आपका डिपेंड करेगा, ठीक है, साइट वेल्डिंग है क्या है उसके हिसाब से। तो ये आपका इतना हो गया, तो थ्रोट थिकनेस आपका इतना आ गया। अब सेफ लोड कितना होगा, तो सेफ लोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, TVF इंटू L इंटू T, और L की वैल्यू कितनी है 1, ये लेंथ हम लोग 1 एज्यूम कर लिए, मतलब ये गहराई वाली चीज की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर इतना आ गया, फिर लेंथ ऑफ वेल्ड कितना होगा, जो कि सरकमफेरेंस पूरे पे दिए हो, सरकमफेरेंस के बराबर होगा, तो वो इतना आ गया। तो ट्विस्टिंग मूवमेंट, ट्विस्टिंग फोर्स कितना होगा, ट्विस्टिंग फोर्स बराबर स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर mm लेंथ इनटू लेंथ ऑफ वेल्ड, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ इनटू लेंथ बराबर ट्विस्टिंग मूवमेंट हो गया, अरे फोर्स इनटू डिस्टेंस करते हो ना, ये वही है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो ये हो गया ट्विस्टिंग मूवमेंट। अब ग्रेटेस्ट ट्विस्टिंग मूवमेंट निकालने के लिए DY2, ये आ गया आपका ग्रेटेस्ट ट्विस्टिंग मूवमेंट, ठीक है। ठीक है क्लास, आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी सब जितने भी हैं सबके न्यूमेरिकल हैं, इन सबकी मैं फोटो आपको सेंड कर दूंगा, अगर कहीं पर किसी को कोई भी दिक्कत होगी तो आप हम पूछ सकते हो, ठीक है, थैंक यू।